नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ग्रो ऐप में एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को परमानेंटली या टेम्प्रोरी क्लोज कैसे करते हैं, ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर का 5 मिनट का प्रोसेस है। इस 5 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि आप परमानेंटली और टेम्प्रोरी ग्रो ऐप के एफ एंड ओ सेगमेंट को कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा चैनल पर लाते रहते हैं। आइए थोड़ा सा ये समझते हैं कि हमें ग्रो ऐप में एफ एंड ओ को क्लोज क्यों करते हैं। बहुत सारे यूजर का बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से एक दो रीजन के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो 90% जो रीजन होते हैं वो होता है कि लॉसेस। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे मैंने कमेंट देखा था, उसमें किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख लॉसेस हुआ, किसी किसका 10 लाख भी लॉसेस हुआ था, इसलिए वो एफ एंड ओ सेगमेंट को क्लोज करवाना चाहता है। तो मेनली जो रीजन है वो यही है कि एफ एंड ओ में बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, इसलिए वो क्लोज करना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि क्या होता है कई का कि एफ एंड ओ सेगमेंट होता है तो इंसान का मन में वो होता है यार एफ एंड ओ सेगमेंट है यार, कर लेते हैं ट्रेडिंग, तो इसलिए लोग क्लोज करना चाहते हैं कि ना रहेगी बांस और ना बचेगी बांसुरी, मतलब एफ एंड ओ ही नहीं रहेगा तो ना हम ट्रेड करेंगे ना हमारा लॉसेस होगा। ये नए रीजन होते हैं गाय। तो चलिए आगे के इसमें बताऊंगा कि कैसे करते हैं गाय। चुका हूं अपने और मैंने जीमेल को ओपन कर लिया। देखो मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आप ग्रो को कॉल करके आप एफ एंड ओ को क्लोज करा सकते हो, दूसरा मेल करके। तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा कि आप मेल कर दो, नॉर्मल सी बात है, मेल करके आप उसे नॉर्मली क्लोज कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने 2-3 दिन पहले एक ग्रो को मेल किया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 17 जून को मैंने मेल किया था ग्रो को कि डियर ग्रो, आई एग्री टू प्लीज परमानेंटली या टेम्प्रोरी। आपको अगर परमानेंटली या टेम्प्रोरी, या टेम्प्रोरी में क्या होता है कि आप अगर अभी क्लोज कर रहे हो तो आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर अगर आप इसे रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, पर अगर आप परमानेंटली क्लोज करवा लेते हो तो इससे ये होता है कि आप आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में कभी भी एफ एंड ओ सेगमेंट को अपने ग्रो ऐप पे एक्टिवेट नहीं कर सकते हो अपने अकाउंट से। तो ये होता है, तो आपको डिसाइड कर लेना आपको क्या करवाना है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, आई एग्री टू प्लीज परमानेंटली या टेम्प्रोरी, मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करवाना है। क्लोज माई एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इन माई ग्रो ऐप, आगे एग्री लगा देना। अगर एग्री नहीं लगाओगे तो ग्रो के तरफ से आपके पास कॉल आएगा कंफर्मेशन के लिए, अगर एग्री लगा दोगे तो आपके पास कंफर्मेशन का कोई कॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये आई एग्री टू प्लीज क्लोज लगा दिया हूँ। आप ये चीज़, मैं जो सब्जेक्ट है ये चीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपनी चीज़ को कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको मेल किस पे करना है, support@grow.in, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं सारा चीज़ दे दूंगा, आप वहाँ से मेल कर सकते हो। नॉर्मली देखो जैसे ही आप ये मेल करोगे तो ऊपर से आएगा कि डेयर गेटिंग योर नॉलेज टू रिसीव योर ईमेल, विश यू इन्फॉर्म दैट इट विल बी फॉरवर्डेड टू कंसेंट टीम। अब जैसे कि देखो मैंने ये मेल किया था कि आई एग्री टू प्लीज कंफर्म, इतना सेगमेंट में मैंने ये मेल कर दिया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आया है आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपके जो भी एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हो गया हम आपके कंसेंट टीम को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि एक दिन के बाद नीचे देख सकते हो ग्रो के तरफ से मेरे पास मेल आया है कि डियर कस्टमर ग्रेटिंग फ्रॉम ग्रो, वी रेफरेंस योर टू योर बिलो ईमेल एफ एंड ओ सेगमेंट विल बी डीएक्टिवेटेड इन T+1 वर्किंग डे। मतलब जैसे ही आप मेल करते हो विद इन 24 से 48 आवर के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका एफ एंड ओ सेगमेंट को T+1 मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे, आज अगर वो एग्जीक्यूट किया तो 1 डे मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपके एफ एंड ओ सेगमेंट को बंद कर दिया गया। मैं मजाक मतलब मैं नॉर्मली मेल किया हूँ और मेरा परमानेंटली बंद हो गया एफ एंड ओ सेगमेंट। मैं अभी कस्टमर से बात करके इसे रीएक्टिवेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं तो नॉर्मली वीडियो के चक्कर में मैंने कर दिया और मैं एक्चुअली में मेरा बंद हो गया है, तो मैं इसे अभी ओपन करवाने का प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ग्रो को मेल करके आप अपने जो भी एफ एंड ओ सेगमेंट को परमानेंटली क्लोज करवा सकते हो। अब मेल करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है, आपको नॉर्मली है यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे टू में support@grow.in में कर देना है, सब्जेक्ट में क्लोज एफ एंड ओ सेगमेंट लिखना, क्लोज्ड ईडी लगा देना एफ एंड ओ सेगमेंट, और मेल पे यहाँ पे आपको जो भी कॉपी पेस्ट करके वो आपको लिख देना है, ठीक है। वो चीज़ लिखने के बाद आप मेल कर दो आराम से, विद इन 48 आवर के अंदर आपका एफ एंड ओ सेगमेंट को परमानेंटली या टेम्प्रोरी क्लोज कर दिया जाएगा। गाइज 100% जेन्युइन वीडियो है। अब मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ कि आम लोगों तक जो भी नॉर्मल बिगनर्स हैं इनको भी समझ में आए, मतलब सिंपलिसिटी रखता हूँ मैं अपनी वीडियो में कि हर बंदे को समझ में आए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।